भाई 30 लाख रुपए की मशीन है ये, देख लो। क्या डिजाइन बनाया यार इस मशीन ने यार, लेवल लगाने की मशीन थी यार। ये भाई हाथों हाथ प्रिंट भी कर रही है और हाथों हाथ हीट भी कर रही है। अच्छा, 1 मिनट में 350 मीटर भरता है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजन ऑन में स्वागत है आपका। मैं हूं आसिफ असलम। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं प्रगति मैदान, जहां पर लगा है गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस का एक एक्सपो। तो यहां पर आपको गारमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी मशीनें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि कढ़ाई मशीन, सिलाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन, रिपीट ठोकने वाली मशीन और बटन लगाने वाली मशीन। काफ़ी सारी यूनिक यूनिक मशीनें जो इंडिया में बनी हुई और चाइना और जापान से एक्सपोर्ट हुई मशीनें आपको यहाँ पर इस एक्सपो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई मशीन यहाँ से लेना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है और वो यहाँ से इजीली परचेज कर सकता है अपनी मशीन। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपो में आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना होगा, बल्कि इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। बस आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो प्रगति मैदान पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से जब आप उतर के प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे तो आपको ये पास मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये बारकोड देख रहे हो, आप बारकोड यहाँ पे स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आपको 2, 3, 4 हॉल में जो ये मेरे लगे हुए हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए शटल सर्विस भी लगी हुई है इनकी तरफ से। तो आप यहाँ पर बैठ के इसके अंदर वहाँ पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर। अंदर चलने के बाद में देखते हैं हॉल नंबर 2 में 3 में 4 में कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर आई हुई। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ आपके पास तो वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है हॉल नंबर 3। हॉल नंबर 3 से हम एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, हॉल में अंदर आने के बाद में रजिस्ट्रेशन काउंटर से जो है ना आपको एक विजिटर कार्ड मिलेगा, ये वाला जो मैंने लिया है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। तो ये आप बार कोड वहाँ पर स्कैन होगा तब जाके एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। ओए होए दोस्तों, ये एंट्री करते ही मुझे ये वॉशिंग मशीन दिखी। ये बहुत बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें हैं, ये कम से कम 8-8 फुट की वॉशिंग मशीनें हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये हो रही है यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी और काफ़ी प्यारी कढ़ाई यहाँ पर हो रही है। और ये मेरे ख्याल से सोफ़े के ऊपर जो कवर होते हैं ये उसमें यूज़ किया जाता है, और गद्दे वगैरह जो होते हैं उसके कवर यहाँ पर हैं, ये कुशन वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये उसी की कढ़ाई हो रही है ये मेरे ख्याल से। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या चीज़ है। और एक ये कढ़ाई देखिए, क्या प्यारी कढ़ाई हो रही है यार। ये मशीन एक ही हेड की मशीन है लेकिन ये सारे काम कर रही है, एक ही हेड की मशीन, सिर्फ इसके अंदर एक हेड है। ये भी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इसके प्राइस जानते हैं, इनसे प्राइस क्या होंगे। सर, क्या कॉस्ट बताई इसकी मशीन के आपने? 5.5 लाख प्लस GST। 5.5 लाख रुपए प्लस GST। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त फ्यूजन कंपनी के एक पोर्शन में। यहाँ पर इनकी काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं फ्यूजन कंपनी की। ये एक चाइना की कंपनी है, इसकी मशीनें ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पर इसकी मशीनें मौजूद हैं। बहुत अच्छी और यूनिक मशीनें होती हैं यहाँ पर। मैं कुछ मशीनें आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मशीन है, क्या क्या काम करती है। चलिए देखते हैं। जैसे ये मशीन है, ये मशीन कांच की मशीन है, कांच करती है ये जीन्स के पैंटों पर। तो जैसे ये देख सकते हो आप, ये है रिपीट लगाने की मशीन। काफ़ी सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है रिपीट का। तो ये प्रेशर मशीन है।
अच्छा 2,25,000 यानी 2.25 लाख की मशीन पड़ेगी हमें। 2,25 की। अच्छा सर, इसे अगर मशीन को अगर कोई खरीदना चाहे तो किस तरीके से खरीद सकता है? यहाँ से दिल्ली में इसको स्टॉक करते हैं। दिल्ली में किस जगह पर? ओखला में। तो फ्रेंड्स, फ्यूजन कंपनी की कोई सी भी मशीन अगर आपको ख़रीदनी हो या इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इनका कार्ड है ये आप इनके पास फ़ोन करके पता कर सकते हैं कौन सी मशीन कितने की है। कौन सा स्विच बोलते हैं सर? इंटरलॉक मशीन है ये। नेट के लिए चलेगा, नेट पे नेट ज्वाइनिंग के लिए। हाँ, नेट के लिए ना। क्या कॉस्ट की है? इसमें कॉस्ट 35,000 प्लस GST मशीन है और इंटरलॉक की बहुत बेहतरीन मशीन है ये। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर ये मशीनें दे रहे हैं और ये इंडिया का ही एक ब्रांड है जीविन के नाम से। मैं स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड मेंशन कर रहा हूँ इनका, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर से इनसे ले सकते हो। क्या चीज़ बन सकती है इस पर, क्या चीज़ बनने के लिए? अच्छा, जैसे बेसिकली ये एक हीटिंग प्रेसिंग मशीन है, जैसे टी शर्टों के ऊपर हम अपना स्टिकर चिपका सकते हैं, ये हीट कर देगी और इसमें एक बार में 6 टी शर्टें पेयर क्रिएट हो सकता है, यानी हीट कर सकती है। अच्छा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा ये? जो मैं चीज़ करता हूँ मेरे पीछे पीछे ही तो वाह, क्या बात है यार। हमारे खुद का फोन हो रहा है, कितने की मशीन है सर? ये 380 की मशीन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मशीन, लेजर कटिंग डैमेजेस मशीन, और अच्छा काम करती है ये। जीन्स के ऊपर डैमेजेस जो होती हैं वो यही मशीन करती है, जीन्स के ऊपर, और लकड़ी के ऊपर भी जो आर्ट वर्क होता है वो भी ये करती है। ये मैंने एक बेल्ट दी है इनको, ये आप देखिए बेल्ट के ऊपर एडिडास किस तरह से लिखती है, तो ये देखिए आप किस तरह से ये लेज़र कटिंग हो रही है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इसने ये एडिडास इस बेल्ट पर लिखा, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी मशीन लगी। तो मैंने इसकी कॉस्ट इनसे भाई से पता करी कि इसकी कॉस्ट क्या है मशीन की, तो इन्होंने बताया 5.5 लाख रुपए और प्लस GST इसकी कॉस्ट है मशीन की। अगर कोई भाई इस मशीन को परचेज़ करना चाहता है, इनसे भाई से कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो स्क्रीन पर इनका विजिटिंग कार्ड मैं लगा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप। ये अभी ये बना रही है अभी। हाँ, इसके बाद में टी शर्ट के ऊपर कैसे प्रिंट होगा, कैसे छपेगा ये? ये है, तो इसको ऐसे रख के आप फिर हीट ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा, हीट लगानी पड़ेगी हमें। हाँ, तो इसके लिए हमें एक मशीन की और अवेलेबल ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ हमारा अभी ये वाला काम कर रही है? हाँ, ये वाला काम कर रही है। ओके, जो सितारे छोटे छोटे होते हैं। हाँ, छोटे छोटे नग होते हैं वो इससे बन जाएंगे किसी भी तरीके के। अच्छा, और बाकी टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए, लगाने के लिए वो हमें हीट मशीन अलग से लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या कॉस्ट है इसकी मशीन की? 17+ GST 17 लाख प्लस GST। क्या रेट आएंगे?
तो दोस्तों ये मशीन है बेल्ट बनाने वाली। ये मशीन आप देख रहे हो, ये जैसे सीट बेल्ट होती है कार की या हमारे हैंडबैग में जो बेल्ट लगी हुई होती है, ये कई सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है। ये वाली बेल्ट आपने देखी होगी कई सारी जगह पर। ये देखो, ये है वो बेल्ट जो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं इस बेल्ट को। तो ये मशीन है इस बेल्ट को बनाने वाली। कितने सारे धागों से मिलकर ये बेल्ट बनती है, देखो दोस्तों, बहुत सारे धागे लगे हुए हैं तब जाके ये एक बेल्ट तैयार होती है। तो इसकी मशीन की कॉस्ट जान लेते हैं इनसे कि कितने रुपए की मशीन है ये, क्या कॉस्टिंग क्या है इसके लिए मशीन का। तो 4.25, तो भाई 4.25 लाख की ये मशीन है प्लस GST। तो फ्रेंड्स ये मेरे सामने देख रहे हो कि ये मशीन है, शूज़ में जो लेस होते हैं उसकी मशीन है ये बनाने की। ये सारी जो मशीन है ये लेस बनाने की मशीन है। देखिए ये है लेस बन रहे हैं इसकी। एक मिनट में 350 मीटर 80 मीटर का ऐसी बन रहा। ये 12,000 रुपये की, ये 11,000। अच्छा ये कैप की मशीन होगी। और ये वाली ये सब स्टिकर वगैरह की है। अच्छा हीट की है। अच्छा ये लोगो, एक छोटा पेपर पे लोगो ला के कपड़ा रख के इस पर और अपना प्रेस हो जाएगी टी शर्ट वगैरह पे। ये कैप की हो गई, ये टी शर्ट वगैरह की हो गई छोटी छोटी। अच्छा ये जैसे ये बड़ी वाली मशीन है पट्टे पे, साड़ी पे, साड़ी पे। और ये भी छोटे छोटे टी शर्ट वगैरह पे, ये प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए। हाँ जो छोटे छोटे लोगो होते हैं उनको बनने के लिए। अच्छा तो ये वाली मशीन कितने की होगी? 37,000 रुपये की। और वो छोटी वाली 9,000 रुपये 9,200 रुपये की। उस पर भी एक छोटा लोगो कोई से भी बन सकता है, टी शर्ट पे जैसे टी शर्ट पे होता लोगो होता है। फिनिशिंग। अच्छा तो कितने की होगी सर ये मशीन? 80,000 रुपये प्लस GST। अच्छा ये मशीन को लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं? नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपके नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। भाई ये मशीन आप देख रहे हो, ये कैंचियों पर घर लगाने के लिए है, सीजर्स पे घर लगाने के लिए वाली मशीन है। और ये आप देख सकते हो वाली मशीन टैग लगाने की मशीन है, किसी भी चीज़ पर जो अपना ब्रांड का नाम है वो टैग लगाने की मशीन है ये। दोस्तों एक मशीन ये देखो, कितनी फास्ट तरीके से इसमें रिपीट लग रहे हैं ये वाले मोती वगैरह जो होते हैं पर्स में या टी शर्ट में या फिर टॉप वगैरह में, लेडीज़ टॉप में जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिपीट ठुक रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये कितनी तेज़ी के साथ में जीन्स में बटन लगा रहे हैं इसके अंदर। ये मशीन स्पेशल जीन्स के लिए बनाई गई है। तो एक तरफ इसके अंदर वो कीले लगी हुई डली हुई हैं और दूसरी तरफ इसमें रिपिट डले हुए हैं। और ये पूरा सेक्शन इनका जैक फंग वालों का है, इसमें सारी मशीनें जैक फंग कंपनी की हैं। तो अच्छी मशीन है काफ़ी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप मेरे सामने, ये मशीन है धागे साफ करने वाली मशीन। ये वाली मशीन 26,000, ये 24,000, ये 24,000।
दोस्तों ये मेरे सामने आप देख रहे हो कितनी बड़ी मशीन है, ये टी शर्ट पर प्रिंट करने वाली मशीन है। ये इसमें एक बार में 10 टी शर्ट एक साथ में प्रिंट हो रही हैं और एक साथ में ही हीट भी हो रही है इसके अंदर, यानी सुखाने की मशीन भी इसी में ही है, प्रिंट करने की भी यही मशीन है। बहुत बड़ी मशीन है दोस्तों ये, इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं कितना प्राइस है इसका। ये मशीन कितनी की होगी भाई? 35 लाख। बढ़िया मशीन है। तो दोस्तों एक कढ़ाई की मशीन और है ये, बहुत बड़ी मशीन है दोस्तों, काफ़ी बड़े एरिया में ये लगी हुई है और काफ़ी सारे हेड हैं इसके, और वो पता नहीं किस तरीके से ये कढ़ाई कर रही है। ये देखो कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत कढ़ाई इस पर हो रही है, और ये मशीन की कॉस्ट है 35 लाख रुपए प्लस GST। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी मशीन है ये, और ये 2, 3, 4 ये दोनों ये 3 होल हैं, ये तीनों को इन्होंने मर्ज कर रखा है, ये एक ही होल है बेसिकली। इसमें सब में मशीनें ही लगी हुई हैं, सारी मशीनें हैं गारमेंट्स से रिलेटेड। ये देख सकते हो आप, ये पूरे पूरे लहंगे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जिसपे पूरी स्टोन वगैरह जो लगे हुए हैं इस पर जो कढ़ाई हुई हुई है वो सारी इन्हीं मशीनों के द्वारा की गई है, पूरे लहंगे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं शॉक्स वगैरह और काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर, सुलोमान के नाम से इनकी कंपनी है कोई, तो यहाँ पर ये शॉक्स बनाने की मशीन है जिसे यहाँ पर ये बन रही है। ये मशीन है, ये काफ़ी धागे लगे हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे धागे से बन के एक शॉक्स तैयार होता है हमारा, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये शॉक्स तैयार हो रहे हैं, ये इसकी मशीन है और इसकी कॉस्ट है 4.5 लाख रुपये पर GST। कह रहा हूँ क्योंकि जो लेवल आते हैं जीन्स वगैरह में लगने के लिए वो तो अलग अलग तरीके के आते हैं, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना, तो वो किस तरह के से होगी कटिंग उसकी, वो ये चेंज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा के दिखाना भाई। जैसे लेवल थोड़ा छोटा था ये, अगर ये बराबर उसके हिसाब से ही आएगा, ये लेवल इसके सिलाई के ऊपर ही आ जाएगी। हाँ हाँ, अगर इसके हिसाब से, अगर लेवल इसके साथ 3 लाख की 3,89,000 प्लस GST 12% तो भाई ये है कंसाई की बेल्ट मशीन, जो कंसाई कंपनी की भी बहुत बेहतरीन मशीनें होती हैं, बहुत अच्छी मशीनें होती हैं, इसके पार्ट्स वगैरह बहुत ही जेन्युइन पार्ट होते हैं, तो ये मशीनें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ब्रदर कंपनी का, इनका एक सेक्शन बना रखा है अपना, इनका पूरे सेक्शन में सारी ब्रदर कंपनी की ये मशीनें रखी हुई हैं, बहुत पुरानी कंपनी है ब्रदर कंपनी भी, और अच्छी मशीनें होती हैं काफ़ी, हमने इसको भी यूज़ किया है ब्रदर कंपनी की। ये जैसे ये मशीन कांच की मशीन है, और मशीनें देखते हैं कौन कौन सी हैं ब्रदर कंपनी की।
भाई ये देखा आपने किस तरीके से इस मशीन ने इतनी तेज़ी के साथ में पॉकेट लगा दी। और ये भी एक ब्रदर कंपनी की मशीन है और बेहतरीन मशीन है, और ये इनका कहना है 8 घंटे में ये 2500 पीस में पॉकेट लगा सकती है ये मशीन। इसके प्राइस के बारे में जानते हैं, ये कितने रेट की है भाई? ये मशीन कितने की है? 16 लाख की। पॉकेट लगाने की है किसी भी शर्ट पे, टी शर्ट पर, जीन्स वगैरह पे नहीं है, ओनली शर्ट टी शर्ट पर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक डेनिम शो भी हुआ था, जहाँ पर जीन्स का एक शो हुआ था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर एक बड़े बड़े जो जीन्स के कपड़े के मालिक हैं, जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं, अरविंद हैं, ये जिंदल वाले हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनकी ये कपड़ा बेचते हैं अपना। और यहाँ पर इन्होंने अपना एक ये शो कर रखा है कि कौन से कपड़े में कैसी वॉशिंग आएगी, इसके बाद में वॉशिंग के बाद में किस तरह से कपड़ा निकल के आएगा, ये किस तरह की जीन्स हैं, तो ये सब यहाँ पर इन्होंने अपना शो कर रखा है। तो आप यहाँ पर एक अच्छी जीन्स, एक अच्छा कपड़ा चुन सकते हैं उसकी वॉशिंग को देखते हुए। यहाँ पर हर तरीके की वॉशिंग हुई हुई है पेंटों पर, जीन्स के ऊपर। तो आप जैसे जीन्स पे वॉशिंग कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पर वॉशिंग हो सकती है, हो जाएगी आपको। यहाँ पर सारे डमी मिल जाएगी यहाँ पर देखने के लिए, जैसे ये है, ये सारे कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसकी वॉशिंग का भी पता लग जाएगा कि कौन सी वॉशिंग कहाँ पर हुई है। ये है जिंदल टेक्सटाइल, जिंदल वालों का भी काफ़ी फेमस कपड़ा होता है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इनके कपड़े को। ये देखो गाइस कितनी बड़ी मशीन है यार ये, और इसके अंदर एक फैब्रिक बन रहा है, और ये फैब्रिक बन रहा है कम से कम 80 कोन लगे हुए हैं इसके अंदर, 80 से 100 कोन लगे हुए हैं, ये पूरे सारे कोन एक साथ चलते हैं, सारे धागे एक साथ चलते हैं तब जाके वो फैब्रिक बनता है। वो मैं अभी फैब्रिक दिखा देता हूँ, वो कौन से तरीके का फैब्रिक बन रहा है, कपड़ा जो बुना जा रहा है यहाँ पर। पहले आप ये मशीन देखो, क्या ख़तरनाक मशीन है यार। और इसकी कॉस्ट हमने पता करी तो इसकी कॉस्ट है 17 लाख प्लस GST। तो बहुत बड़ी मशीन है और पता नहीं किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन बहुत ही यूनिक मशीन है। ये देखो कितने कोन लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये कपड़ा बन रहा है, ये वाला ये कपड़ा है, ये यहाँ पर इस मशीन में तैयार हो रहा है। ये देखो बहुत सारे कोन लगे हुए हैं इसके अंदर बड़े बड़े, और ये ऊपर से ये घूम रही है, और ये अंदर नीचे इसके कपड़ा तैयार हो रहा है। बहुत फास्ट प्रिंट कर रही है यार ये तो, और काफ़ी बड़ी जगह में एकदम से प्रिंट कर रही है और काफ़ी फास्ट। ये देखो ये देखो भाई यार कितना भारी वर्क कर रही है मशीन, और ये मशीन बहुत बड़ी मशीन है, 24 हेड की मशीन है ये, और ये अब तक की जो मैंने देखी ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट की मशीन है, 37 लाख रुपए की ये मशीन प्लस GST, यानी 40 लाख तक की ये मशीन बैठेगी दोस्तों। लेकिन वर्क कर रही है ये, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रही है। भाई बहुत हैवी वर्क कर रही है मशीन यार,
ये देख सकते हो आप, सितारे स्टोन वगैरह और कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त कर रही है मशीन। यहाँ पर कटिंग हो रही है दोस्तों, ये एक एल लगा के फैब्रिक पर हल्का वाला कपड़ा है, ये उसकी कटिंग मशीन है। देखते हैं किस तरह से कटिंग करती है। भाई कटिंग तो कटिंग मशीन ने बहुत ही अच्छी करी, क्योंकि कंप्यूटराइज मशीन थी तो अच्छी तो होनी ही थी। तो ये है इसकी कटिंग। भाई ये एक मशीन और है सॉक्स बनाने की, और ये यहाँ पर शूज़ भी बन रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मशीन है वो, और हेवी मशीन है काफ़ी, और यहाँ पर बन रहे हैं सॉक्स। ऊपर फ्लैप लगाया गया है 2 रुपये उसके अंदर। ये कट पॉकेट बनाने की मशीन, तो फ्रेंड्स ये है एक हीटिंग प्रेसिंग मशीन, और यहाँ पर ये हीट मशीन है, लेकिन ये जो कंपनी है इनकी, ये भारती के नाम से कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स बनाती है। तो अगर आप इनसे सिर्फ स्टिकर बनवाना चाहते हो, तो ये स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर है इनका, यहाँ से आप ये स्टिकर इनसे मंगवा के अपने टी शर्ट वगैरह पर अपनी हीट मशीन ला करके खुद ही इस पर आप हीटिंग कर सकते हो, और एक अपना नया एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर एक गेमिंग जोन भी यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लोगों को, और ये वाला गेम तो अच्छा लगता है, काफ़ी वायरल गेम है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो यार, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मशीन कौन सी अच्छी लगी आपको ये भी बताना, क्योंकि मैंने तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी बेहतरीन मशीनें देखी थी, गारमेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, और टी शर्टों पर प्रिंट कर रही हैं, कुछ टी शर्टें बना रही हैं, तो बहुत ही यूनिक मशीनें देखी मैंने आज। तो दोस्तों मैं वीडियो को अपनी यहीं पूरा करता हूँ, यह वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल का नाम है सीज़न ऑन। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।